हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ब्लॉग। तो आज हम ब्लॉगिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आज हम आए हैं रॉक गार्डन। अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करेंगे हम रॉक गार्डन से। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर मटकों से डेकोरेशन कर रखी है। तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रॉक गार्डन है ये सुखना लेक के पास पड़ता है, ठीक है। और ये रॉक एंथुजियास्ट वालों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है, आउट ऑफ द वेस्ट मटीरियल इट इज़ वेरी लाइक बहुत सुंदर बना रखा। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जो नेक चंद इन हिज स्पेयर टाइम स्टार्ट कलेक्टिंग मटीरियल्स फ्राम डेमोलिशन साइट्स अराउंड द सिटी एंड ही रिसाइकल्ड दीज मटीरियल्स इन टू हिज ओन विजन ऑफ द डिवाइन किंगडम्स ऑफ सुकरानी चूजिंग अ जॉर्ज इन अ फॉरेस्ट नियर सुखना लेक। So yeah, it is very pleasing to see all these material and stuff in Chandigarh itself. इधर एक वाटरफॉल भी है। I'll show you the waterfall. आ गए हम वाटरफॉल पे। मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल का व्यू। यहाँ से बहुत सुंदर लगता है वाटरफॉल। Just look at this. हमने देख लिया है ये वाटरफॉल। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे लाफिंग मिरर्स एंड स्विंग्स। जस्ट लुक एट दिस। आई एम वंडरिंग कि आज वीकडेज में इतना रश है तो वीकेंड्स में क्या ही हाल होगा। अब मेरा फ्रेंड करेगा मेरा फोटोशूट। जा रहे हैं फोटोशूट कराने। आई विल शो यू द पिक्स। आज दिखाता हूँ। फोटोशूट इज डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लोकेशन। वाटरफॉल देखने के बाद नेक्स्ट लोकेशन है हमारी एक इधर वेल है जो 3 फीट गहरा है एंड इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय नेक चंद। एंड इधर कहा जाता है कि इधर अपने कॉइन्स वगैरह या ऑफरिंग्स करने से लाइक पैसे वगैरह डालने से अपने मन की इच्छा से डालोगे आप तो आपकी कोई भी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये वो कुआं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जस्ट लुक एट दिस। इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें ऑलरेडी कॉइन्स वगैरह हैं, ये देखिए। बाकी एक कहते तो हैं, बस इसमें ये नहीं पता कि कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, बट कहते हैं कि यहाँ पे सिक्के वगैरह डालने से आपकी जो है विशेस पूरी हो जाती है। सो कुआं देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो कि है डोल म्यूज़ियम। तो हम आ गए हैं अब डोल म्यूज़ियम में। डोल म्यूज़ियम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी सुंदर वो बना रखी है इन्होंने वेस्ट मटेरियल से डॉल्स वगैरह। हम आ गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। इधर एक और सेकंड वाटरफॉल भी है, इसके बारे में नहीं पता था मेरे को, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये भी बहुत सुंदर है दिखने में। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट, जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इतना सुंदर है ये सेकंड वाटरफॉल। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जितना भी पानी है वाटरफॉल में ये सारा सुखना लेक से कनेक्टेड है। ही इज माय फ्रेंड जो जा रहा है ये फोटोशूट करता है। इसके आपके साथ इसका सारा काम मैं आपको दिखाऊंगा।
इसकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोस खींचे मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा एंड में। अगर आपको किसी को भी फ़ोटोशूट कराना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, हिज नेम इज़ पंकज। ओके, तो मैं आपको इस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। तो ये है, यहाँ पर है सारे लाफिंग मिरर्स, तो यहाँ पे जाएंगे अभी दिखाएंगे। यहाँ पे लाफिंग मिरर्स हैं और उसके बाद दिस इज़ यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल एंड पे जहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए स्विंग्स हैं वहाँ पे, वहाँ पे भी जाएंगे अभी, झूले लेंगे। इधर बहुत सुंदर एक्वेरियम भी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो है वैराइटीज़ की फिशेज हैं। लेट मी शो यू, जस्ट लुक एट दिस, बहुत तरह की फिशेज हैं यहाँ पे। आपको ये पोर्शन भी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए व्हेन एवर यू विजिट रॉक गार्डन। आगे हम लाफिंग मिरर्स में, लेट्स सी कम दिस वे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट हमारा मिरर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लाफिंग मिरर्स देखा है, इतना कुछ खास नहीं था वो एक्सपीरियंस। तो अब हम जा रहे हैं स्विंग्स लेने, लेट्स गो एंड मेक सम वीडियोस देयर। फिर उसके बाद हम जाएंगे जो पपेट हाउस बना हुआ है वहाँ पर, एंड देन फिर हम लेंगे एग्जिट। अब हम स्विंग्स लेके आ गए हैं, आपने देख ही लिया होगा हमने कितने मजे करे स्विंग्स में। अब हम जा रहे हैं, कौन सी जगह ये पपेट हाउस है समथिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से कैसा लगता है ये, बट हम उस वाले में जा रहे हैं अभी फिलहाल, एंट्री है उसकी, लेट्स गो देखते हैं क्या है अंदर। मैं रॉक गार्डन तो बहुत बार ही आ रखा हूँ, बट अब इस बार ही यहाँ पे कुछ नया बन रखा है तो मैं वो एक्सप्लोर करने आया हूँ। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या बना हुआ, मैं आपको एक एक स्पॉट की फ़ोटोज़ दिखाऊँगा। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया, पूरा राजस्थानी टच आ रहा है। आज वाले इन्होंने बहुत सुंदर बना रखा है, ये राजस्थानी टच आ रहा है पूरा, कपड़ों की कठपुतली बना रखी है, इतने क्रिएटिविटी कर रखी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सीन बना रखा है। पंजाबी लेडीज झूला झूल रही है, आगे आ जाइए। ये हमारे पाजी कुत्ता पी रहे हैं।
हुक्का, सॉरी हुक्का। ये देखो ये क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहा है। कितने सुंदर सीन क्रिएट कर रखे हैं। आज वो आगे लोकेशन दिखा, यहाँ पे कुछ माँ अपने बच्चे को कुछ कर रही है, समझा रही है, पढ़ा रही है। इधर ये लेडीज को देखो, ये मसाले कूट रही है। ये चूड़ियों की दुकान है, अगर किसी को भी चूड़ियाँ चाहिए हो तो यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इधर रंग बिरंगी हर तरह की चूड़ियाँ हैं सस्ते दामों पे। भैया कुछ बेच रहे हैं, ये नहीं पता क्या बेच रहे हैं, कुछ हाथ से बना हुआ सामान है बेच रहे हैं। इधर देखिए, इधर मसाले कूटते जा रहे हैं, खादी के कपड़े हैं, बहुत महंगे आते हैं, बहुत प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं, इनसे कोई एलर्जी नहीं होती सर्दी गर्मी दोनों। तो फाइनली हमने अब सारा लोकेशंस को एक्सप्लोर कर लिया है, हमने यहाँ पे लाफिंग मिरर्स, स्विंग्स, वाटरफॉल्स, पपेट हाउस, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लोर्ड, एंड नाउ वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स आर हाउस। एंड आप मेरे को बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अब हम आ गए हैं रॉक गार्डन से बाहर, अब हमारे को भूख लग रही है तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ हेल्दी सा ऑप्शन देख रहे हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ हम 20D मार्केट में आए हैं, आज़ाद मार्केट में, यहाँ पर हम गाजर का जूस पियेंगे फिलहाल। हमने मंगाया है पनीर रोल, थैंक यू भैया, पैसे हो गए ठीक है। ये आया हमारा हेल्दी ऑप्शन पनीर रोल। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, बाय, टेक केयर।